प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया बताने पर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा अभी थमा ही नहीं था कि अब उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया है। जी आपको बता दें, लोकसभा में कॉर्पोरेटर टैक्स कटौती पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निर्मला सीतारमण बता दिया। आपको बता दें, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी कॉर्पोरेटर टैक्स में कटौती का विरोध करते हुए इससे होने वाले नुकसान गिना रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे आपको निर्मला सीतारमण की बजाय निर्मला सीतारमण कहने का मन करता है, क्योंकि आप मंत्री पद पर होते हैं लेकिन जो आपके मन में है वो कह भी नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कॉर्पोरेटर टैक्स में कटौती के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर को ध्यान में रखते हुए इस संकेत देखते हुए देखने पड़ते हैं कि कई कॉर्पोरेटर और कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से बाहर निकलेंगी। हमने जल्दी से कॉर्पोरेटर टैक्स में कटौती की। आपको बता दें, वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में कहा कि सरकार द्वारा कॉर्पोरेटर टैक्स में कटौती का फायदा केवल उन्हीं को मिलने वाला है जो पहले से ही फायदे में है। इससे सुस्ती के सामना कर रही अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर इन दोनों ने निर्मला सीतारमण को निशाने पर ले लिया है और इनको बुरी तरह से घेरती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। SPN9 न्यूज से नाजमिन की रिपोर्ट।